गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, एक बहुत जिसको हम हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और सभी स्टूडेंट को क्वाड्रेंट की नॉलेज होना नेसेसरी है। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट समझाया था, बट कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, उन्होंने उस लेक्चर को मेरे मिस कर दिया था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आज अपना। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें, और ऐसे ही किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई एवं दौसा ब्रांच की पूरी टीम आपके लिए सदैव आपके साथ खड़ी हुई है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे। चलिए भाई, आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट बता रहे हैं आज का लेक्चर। क्वाड्रेंट को हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, क्लियर? तो चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे आपने 10th क्लास में थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चार एक्सेस होते हैं। एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, एक नेगेटिव एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है ना? तो वहाँ भी चार भाग दिखते हैं आपको, चार क्वाड्रेंट दिखते हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के में भी कितने क्वाड्रेंट होंगे? चार क्वाड्रेंट होंगे। तो चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेंट भाई, आप लोगों ने अभी तक 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स निकाले हैं, जैसे साइन 90, साइन 45, कॉस 45, ठीक है ना? 0 से 90, 0 से 90 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। मतलब जो आपने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी, ठीक है ना? तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपन क्वाड्रेंट। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सभी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने टेढ़ी हो गई लाइन यार, यहाँ पर देखेंगे ये आपके चार क्वाड्रेंट हैं। पहला जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखें, एक पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है ना? हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर हम वापस मिलेंगे, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। हम इस 360 डिग्री के एंगल को चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? चार भागों में। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका, जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ से, और जीरो टू 90 डिग्री जाता है। कितना? जीरो टू 90। फिर दूसरा भाग आता है आपका, 90 से शुरू होता है और ये जाता है आपका 180 तक। तीसरा जो भाग होता है वो 180 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 270 तक। 90-90 ऐड करना है। और लास्ट जो भाग होता है आपका, ये वापस कहाँ तक जाता है? 360 तक। मतलब आपने एक चक्कर का कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर क्या कर लिया आपने? कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना? तो आपको बस यही समझना है कि हम
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या परिवर्तन आता है, थर्ड में क्या परिवर्तन आता है और फोर्थ में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बात कर सकते हैं, देखो 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है ना। समझना सभी स्टूडेंट को अच्छे से है कि भाई इसमें आपका आएगा 90 माइनस थीटा, भाई 0 से 90 के बीच में 90 माइनस थीटा, या 360 से अब आप वापस 360 के बाद स्टार्ट करेंगे तो वापस 362 में 90 ऐड होगा तो 450 हो जाएगा। तो वापस एक चक्कर कवर करने के बाद आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में आएंगे और फिर फोर्थ में, तो ये प्रक्रिया आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है ना। तो सेकंड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें आपका 360 प्लस थीटा हो रहा है, क्लियर। इसमें आपका जो थीटा होता है ये याद रखना है, जो थीटा होता है वो 0 to 90 degree होता है, 0 to 90 degree, ठीक है ना। और इसमें सबसे अच्छी विशेषता क्या है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, सभी कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, सभी कैसे होंगे, धनात्मक होते हैं। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अब आप देखें 90 से तो आप बढ़ गए लेकिन 180 से कम रहे, मतलब 90 टू 180 के बिटवीन है आप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा वो 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई टू टू पाई होती है, कहाँ तक होती है, पाई बाई टू से लेके पाई तक। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका। अब अपन बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है कि भाई 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आएगा आपका वो पाई, जो थीटा होगा वो पाई से लेके कहाँ तक होता है, 3π/2 तक, क्लियर। अब आप देखें इधर, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 तो क्या आएगा, इसमें आ जाता है 270 प्लस थीटा आ जाता है और 360 माइनस थीटा आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप देखें जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी 3π/2 से लेके कहाँ तक होगी, 2π तक होगी, ठीक है ना। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो इधर, इसमें आपका सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ए, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव तो साइन का एस, यहाँ पर टी टी और यहाँ पर कॉस का सी। तो इस रूल को हम एक बड़ा अच्छा नाम याद रखने के लिए बड़ा अच्छा नाम ले देते हैं, ए एस टी सी रूल, ए एस टी सी रूल, ठीक है ना। ए एस टी सी रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं ए एस टी सी रूल, जिससे मैं आपको समझा भी दूं। यहाँ पर देखेंगे कर्सर महाराज कांगर, ये है ए एस टी सी रूल बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। ए
ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ए ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट मींस यहाँ पर दो ब्रांच हैं, एक तो साइन और एक कॉसेट, साइन का एस। थर्ड क्वाड्रेंट टी मींस टेन और कॉट, ठीक है ना। सी सी का कॉस और सेट पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, ए एस टी सी रूल, ए एस टी सी रूल बोलते हैं इसको, आप इजीली इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अब कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट सोचता है भाई ये 90 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अब हम नोट डाल के लिखेंगे कुछ। नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा एवं 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपातों अनुपातों में परिवर्तन होता है, होता है। परिवर्तन कैसे होता है, साइन का जो परिवर्तन होगा वो कॉस में होता है, ठीक है ना। साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। टेन का जो परिवर्तन होता है भाई वो कॉट में होता है, और सेक का जो परिवर्तन होता है वो कॉसेक में होता है, ठीक है ना। मैं बता ही देता हूँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेके अपन देखे लेते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई आपसे पूछा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या है, क्या होगा, ठीक है ना। अब भाई 90 प्लस थीटा जो है, अब भाई 90 प्लस थीटा तो ये जो पार्ट है आपका 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, ठीक है ना। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे हम बात करते हैं तो साइन कैसा होता है भाई आपका, पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा है तो त्रिकोणमिति अनुपात बदलेगा, साइन किस में बदलेगा भाई, कॉस में। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट कॉस थीटा लिखता है, अब उसके मन में एक ख्याल आता है कि भाई कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो आप याद रखना है आपको इसको देख के चलना है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये जो बदल रहा है उसको नहीं देखना है आपको, इसको भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, तो साइन किस में बदल गया, कॉस पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर आपसे भाई यहाँ पर लिख दें हम टेन 90 प्लस थीटा, अब भाई टेन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये जो चेंज होगा ये माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, क्लियर। और देखें इधर, जैसे sec 270 माइनस थीटा आ गया, अब भाई 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, sec नेगेटिव होता है, sec नेगेटिव होता है तो sec किस में बदल जाएगा, माइनस का cosec थीटा, माइनस का cosec थीटा आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब जैसे और बात करते हैं हम कि भाई cos 270 प्लस थीटा है, जैसे
अब भाई ये तो आपका देखें आप 270 थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। फोर्थ में अगर अपन बात करें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो ये पॉजिटिव साइन थीटा आएगा क्योंकि भाई कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है, स्टूडेंट को क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कि इस तरफ की संख्या तो उसे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग नेगेटिव दिखती है और इस तरफ की पॉजिटिव दिखती है, तो वो ये कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो आपको हमेशा याद रखना है आपको इस तरफ की संख्या को देख के चलना है, LHS वाली को, RHS वाली संख्या को नहीं। वो तो जिस अगर साइन पॉजिटिव है तो वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस पॉजिटिव रहेगा। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंटों को। चले अब आता है आपका सेकंड नोट। वन एट्टी प्लस माइनस थीटा एवं 360 प्लस माइनस थीटा की स्थिति में मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना इन्हीं को ही यूज करना, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो इजीली गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना। सभी स्टूडेंटों को बात समझ में आ गई होगी कि भाई क्वाड्रेंट होता क्या है। अब मैं इसका कुछ इस पे अपन एग्जांपल्स करते हैं। आप अब ध्यान से देखें, आपको भाई 90 तक की वैल्यू से याद होंगी, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है 90 तक की वैल्यू, वो याद कर लें। चलिए मैं आपको वैल्यूज कुछ लिखाई भी देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने को याद नहीं होंगी यहाँ पर वैल्यूज। चलिए भाई यहाँ पर हम एंगल लिखे देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया आपका साइन, कॉस, टेन, सेक, वो कॉस है सेक और कॉट, ठीक है ना। चलिए वैल्यू लिख देते हैं। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। क्लियर। अब पलट के लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अपॉन कर दें, साइन 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, ये आएगा 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका √3 और 1/0 क्या आता है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है, अनंत बोलते हैं जिसको हम इनफाइनाइट। ये अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट को ही हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं अपरिभाषित।
ठीक है ना, कॉसेक साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, ठीक है ना, वन बाई टू का उल्टा टू, वन बाई रूट टू का उल्टा रूट टू, रूट थ्री बाई टू का टू अपॉन रूट थ्री, और वन का उल्टा वन। सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक कॉस का, तो वन का उल्टा वन, ये आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, ये आ जाएगा रूट टू, यहाँ पर आ जाएगा टू, और ये आ जाएगा जीरो का उल्टा, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब कॉट, कॉट किसका उल्टा, टेन का, तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, वन बाई रूट टू का उल्टा रूट थ्री, वन का उल्टा वन, रूट थ्री का उल्टा वन बाई रूट थ्री, और इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होता है। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, वन अपॉन जीरो इक्वल टू तो इनफाइनाइट होता है, और वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी संख्या में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो सदैव जीरो मिलता है आपको, सदैव क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है, क्लियर। चलिए भाई चलते हैं अब आगे अपन, अब क्वाड्रेंट का यूज करना बता रहा हूं मैं आपको, कि क्वाड्रेंट का अपन को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। यूज ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, यूज ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए भाई एग्जांपल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे भाई आपको साइन 135 की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना भाई, साइन 135 को ही अपन रेडियन में कैसे लिखेंगे, 3π/4, ठीक है ना। अब जैसे अपन को साइन 135 की वैल्यू निकालना है, तो हम साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, हम ये देखते हैं कि 90 और 180 के केस में कैसे लिखेंगे। तो जैसे आप इसको 90+45 भी लिख सकते हैं, और आप इसी को ही साइन 180-45 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप दोनों ही मोड में कैसे भी लिख सकते हैं। अगर अब आप देखें यहाँ पर, अब आपको सीधा सा ये देखना है, ध्यान से सुनना है सभी स्टूडेंट को, कि ये देखना है कि ये 90+θ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, निश्चित बात है ये भी सेकंड में है, और ये भी किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90+θ किस में बदल जाएगा, कॉस 45 में, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये आपकी थीटा की होती है, ये वैल्यू किसकी होती है भाई, थीटा होती है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से भी यही आंसर आएगा, अब 180 के केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2, क्लियर। तो ये आ गया आपका। चलिए भाई और देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। जैसे भाई टेन 210 है, अब आप देखें कि टेन 210 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 90, 180, 270 और 360 इनके अकॉर्ड में ही चेंज करना है हमें। तो भाई ये देख सकते हैं आप, 210 जो है वो कैसे मिलेगा, अगर हम 180 में 30 जोड़ दें तो हमें 210 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये तो आपकी थीटा की हो जाएगी। अब आप देखें कि 180+θ हो गया ये, अब भाई 180+θ कौन से क्वाड्रेंट में, तुरंत देखें आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई। अब टेन अगर पॉजिटिव होता है और 180 के केस में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, तो टेन कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होगी, 1/√3 हो जाएगी। तो ये आपका
मतलब टेन 210 का मान कितना है, 1/√3 है, ठीक है ना। अब चलें भाई, ध्यान से देखना है सभी को। अब जैसे मैंने लिखा cos 240, अब भाई cos 240 या तो आप इसको 270 माइनस 30 लिखें या 180 प्लस 60 लिखें, तो मैंने लिख दिया इसको 180 प्लस 60, ठीक है ना। अब भाई 180 प्लस 60 जैसे ही आपने लिखा तो आप तुरंत ये देखें कि भाई ये वैल्यू तो आपकी थीटा है, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 60। अब भाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का ये 1/2 हो जाएगा। भाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस लगा है तो माइनस का 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे फोर्थ नंबर लिया मैंने, जैसे यहां पर ले लिया मैंने साइन 330, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं साइन 330 किसके पास में है, 360 के पास में है, तो इसको मैंने तुरंत ही क्या लिख दिया, साइन 360 माइनस 30 लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब आप देखें इधर कि ये तो वैल्यू किसकी है, थीटा की। अब 360 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, चौथे में, और चौथे में साइन जो होता है वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव। साइन कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में, तो निश्चित बात है। और 360 के केस में नो चेंज होता है, यहाँ पर सारी चीजें मैं लिख देता हूँ भाई। 360 के केस में, इसके केस में क्या होता है, नो चेंज, त्रिकोणमितीय पर अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि साइन 360 माइनस थीटा साइन ही रहने वाला है, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, 1/2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/2, क्लियर। चलिए भाई अब जैसे आता, अब जैसे आता है टेन 315, भाई टेन 315 को अपन क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा मतलब 45, ठीक है ना। अब भाई 360 माइनस 45 ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपका चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका गया, और फोर्थ में टेन कैसा होता है भाई, आपका नेगेटिव होता है। टेन कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई, नेगेटिव होता है ये तो, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और 360 के केस में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, तो टेन 360 माइनस थीटा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का टेन 45 हो जाएगा। अब भाई टेन 45 का मान आप जानते हैं, ये माइनस का कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई और आगे चलते हैं अपन। अब आता है आपका sec 225, ठीक है ना। अब भाई sec 225 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, sec 180 प्लस 45, ठीक है ना। अब भाई 180 प्लस 45 ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, भाई 180 प्लस थीटा हो गया ये। अब 180 प्लस थीटा होते ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड में जो sec होता है वो आपका नेगेटिव होता है। sec कैसा होता है, नेगेटिव। अब भाई sec अगर नेगेटिव है तो निश्चित बात है ये क्या हो जाएगा, माइनस का sec 45। अब भाई sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट दो, तो ये आ गया माइनस का √2 आ गया, ठीक है ना। चलिए भाई
और आगे बढ़ते हैं अब अपन। कॉट 150, अब भाई कॉट 150, अब भाई कॉट 150 को आप क्या लिखेंगे? 180 में से 30 घटा दें, 180 में से कितना घटा दिया? 30, ठीक है ना। अब भाई ये तो आ गया आपका 180 माइनस थीटा, क्या आ गया? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में, और सेकंड में जो कॉट होता है वो कैसा होता है आपका? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जब ये नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा? माइनस का कॉट 30 आ जाएगा, क्योंकि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और कॉट 30 का मान कितना होता है आपका? रूट 3 होता है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम क्वाड्रेंट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब चलते हैं भाई अपन आगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब थोड़े से अपन अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वाड्रेंट पर थोड़े से जो बड़े एंगल हैं उनकी वैल्यू निकालना अब अपन सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। अब आता है आपके पास यहां से, अब अभी तो ये एग्जाम, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस डाले देते हैं यहां पर। जैसे साइन 1125 है, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है साइन 1125 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई हम एक चक्कर लगाते हैं तो 360 का कोण बनता है, अगर हम दूसरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो 720 हो जाएगा, और अगर हम तीसरा चक्कर लगाते हैं तो 1080 हो जाता है। भाई सीधा सा समझना है, पहले चक्कर में 360, दूसरा चक्कर कंप्लीट करते ही 360 प्लस 360 720, और तीसरा चक्कर कंप्लीट करते ही कितना हो जाएगा? 1080। अब 1080 के बाद अब आप इसमें 1080 में कितना जोड़ेंगे आप? 45, कितना जोड़ेंगे आप? 45 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 3 × 360 प्लस 45, ठीक है ना। अब आपको केवल इसको देखना है, 360 प्लस थीटा, ये आ गया थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा है? फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब ये साइन 45 आ जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/√2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलें भाई नेक्स्ट आता है आपका कॉस 480। कॉस 480, अब भाई कॉस 480 पे हम बात करें अगर यहां पर, तो अगर हम 360 में 120 जोड़ देते हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? भाई 360 प्लस थीटा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक है ना। 360 प्लस थीटा मतलब ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा कॉस 120। अब भाई कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? यहाँ के बाद
ये चला गया आपका सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है आपका नेगेटिव, तो कॉस 60। अब कॉस 60 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बड़े बड़े एंगल लेके चलेंगे अब अपन थोड़े से, ठीक है ना भाई, बड़े बड़े एंगल में आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब जैसे आता है आपका साइन 510, अब भाई साइन 510 के लिए अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो भाई साइन 510 अगर 360 और दो चक्कर लगाते हैं तो 720, या तो 720 में से कुछ घटाएं या 360 में कुछ जोड़ दें। तो अगर हम 360 में 150 जोड़ दें तो आपका 510 बन जाएगा। अब भाई ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया साइन 150। अब भाई साइन 150 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, इसको 180 माइनस 30 लिख दिया तो ये क्या आ गया साइन 30, और ये आ जाएगा आपका 1/2। अब थोड़ा सा अपन फास्ट करेंगे, ठीक है ना, आप सीख गए हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा सा स्पीड को अपन अप लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फॉर नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा, अपनी लाइव क्लास में मैं इसका आपको इस ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको मैं बताऊंगा और इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है ना, कॉसेक माइनस थीटा आपका होता है माइनस का कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है, ठीक है, और कॉट माइनस थीटा आपका माइनस का कॉट थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल दो त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं, जैसे एक तो कॉस है और एक आपका सेक है, जिस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए भाई अपन इसका भी यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे टेन माइनस का 585 डिग्री, माइनस का 585 डिग्री, तो भाई टेन माइनस के 585 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, या तो भाई 720 में से 135 घटा दें, है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना भाई, 2 × 360 में से मैंने 145 घटाएंगे, ठीक है, एक मिनट पहले थोड़ा सा स्टूडेंट, एक मिनट पहले हम इस माइनस का हिसाब पूरा कर लें, तो आप देख सकते हैं ये टेन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस टेन थीटा, तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन को आप प्रेम पूर्वक बाहर ले लो, ठीक है ना, ऐसे मैंने बाहर ले लिया। अब टेन 585 को मैंने लिख दिया 2 × 360 माइनस 135, अब टेन 360 माइनस थीटा, इसको देखें अगर आप, तो 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में,
और चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। टेन कैसा होता है भैया आपका? नेगेटिव होता है। तो टेन नेगेटिव होता है तो एक माइनस साइन और आ जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा टेन 135। अब भाई टेन 135 को आप क्या लिख सकते हैं? टेन 180 माइनस 45, ठीक है ना। अब टेन, अब ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में वापस टेन नेगेटिव, तो ये माइनस का वापस टेन 45 हो गया, और टेन 45 का मान कितना? माइनस है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? क्लियर? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही होगी भाई करना क्या है, है ना। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब आता है आपका कोसेक माइनस 1200। भाई सबसे पहले तो इस माइनस का हिसाब पूरा करो। अब जब इस माइनस का हिसाब पूरा करेंगे तो आपको मालूम है कि कोसेक जो होता है माइनस थीटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है आपको माइनस का कोसेक थीटा होता है। तो सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक 1200। अब भाई 1200 डिग्री पर पहुंच गए अपन, तो अब अपन को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तीसरे चक्कर में अपन 1080 पर पहुंचते हैं। तो चलिए भाई तीन ही चक्कर लगाकर आप 1080 पर पहुंच जाएंगे, मतलब तीन चक्कर 360 डिग्री के, और प्लस में कितना आ जाएगा? 120। भाई 120 जोड़ देंगे तो अब ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में गया और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा? कोसेक 120। अब भाई कोसेक 120 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 180 माइनस 60। अब भाई ये चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं इन चीजों को, ठीक है ना, लेकिन मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे ही आपको जैसे यूज करना अच्छे से आ जाएगा ना, तो ये सारी चीजें आप मन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें पेन चलाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। तो ये आ गया माइनस का कोसेक 60। अब भाई कोसेक 60 की वैल्यू तो क्या होती है आपकी? 2/√3। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया आंसर, मतलब कोसेक माइनस 1200 का मान कितना होता है? माइनस का कोसेक वो माइनस का 2/√3। क्लियर? चलिए भाई अब आता है कॉस सत्रह सौ पचपन। अब भाई 36 × 180 मतलब पांच चक्कर में 1800 पर पहुंचता है। पांच चक्कर में कितने पर पहुंच जाता है ये? 1800 पर, ठीक है ना। तो अब अपन को पांच चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? पांच। भाई पांच चक्कर लगा दिए 360 के, तो हम 1800 पे मतलब आगे निकल गए इससे। इससे क्या है? अपन आगे निकल गए। तो अब अपन को कितना घटाना पड़ेगा? 45, ठीक है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका? 360 माइनस थीटा फोर्थ में। फोर्थ में कॉस कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा कॉस 45। अब भाई कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। साइन 3060 डिग्री। अब भाई 3060 डिग्री पर पहुंच गए 36। अब 360 कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे अपन को? सीधे ये सोचना है अपन को। तो 360 पांच से गुणा कर रहे थे तो 1800, फिर 6 से अगर गुणा करेंगे तो 360 ये 2160 पर पहुंच जाएगा। 2160 फिर हम सातवां चक्कर लगाएंगे तो ये पहुंच जाएगा तीन। भाई 2160 जोड़ लेते हैं, 2160 पर पहुंचे, फिर 360 अगर अपन जोड़ देते हैं इसमें तो अपन पहुंच जाएंगे 2520 पर।
अब 2520 में फिर 360 अगर चक्कर लगाएं तो ये आ जाएगा 2800, 2500 और 300, 2800, 2880 का कितने चक्कर में, ये तो पहुंच रहे थे अपन 6, ये 7 और ये 8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन 8 × 360, 36 × 72 × 144, 144 288, मतलब 2880 पर पहुंच गए। अब भाई 2880 पर आप पहुंचने के बाद अब आपको कितना और आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई ये तो बहुत, 2880 में 180 जोड़े, मतलब इसमें 180 जोड़ दिया मैंने भाई, 180 जोड़ने के बाद ये तो साइन 180 आ जाएगा, ठीक है ना। अब भाई साइन 180 का मान तो जीरो होता है आपका, साइन 180 का मान क्या होता है भाई, आपका जीरो होता है, तो इसका आंसर तो सीधा 0 डिग्री आ ही गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको यूज करना है क्वाड्रेंट के। अभी मैं आपसे अपनी लाइव क्लासेस में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ काफी, तो आप स्टूडेंट सभी देखें, जिनने क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा था मैंने क्वाड्रेंट आपको समझा दिया। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।